हेलो गाइस, क्या हाल चाल। तो आ चुके हैं अपने को न्यू वीडियो के साथ वापिस। और आज का गेम प्ले होने वाला बहुत ही खतरनाक, और चल रहा भाई अपना खतरनाक वाला डुओ रैंक बुश। तो हम लोग को देते सीधा इस टेम्पल पे, क्योंकि हमारे को किल बटोरना था बहुत सारा, जो मैं किल बटोरता और टोरता भी हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मेरे हाथ लग जाते हैं स्कारेल, सामने की तरफ से एक बंदा रहता है जो इधर ही बच के टीपीपी ले रहा था, क्योंकि इस बंदे की हो गई थी लेट लैंडिंग और गन भी नहीं था, तो इस बंदे को निपटा देते हैं। और इसकी पेटी से मिल जाता है मेरे को लेवल 3 का हेलमेट। उसके बाद आगे की तरफ पुश करते हैं। अब यहाँ पे दो बंदे कैंप कर रहे थे जो हमारी पेटी चाहे सुंदर वाली पेटी बना देते हैं। अब इस बंदे के हाथ में होती MG3 जो भाई थोड़ा सा डैमेज करने का ट्राई कर देता है मेरे को। इसके टीममेट को मैंने नॉकआउट कर दिया। दूसरे वाले ने तो भाई MG टिका दिया, और पिंक की भाई दिक्कत इतनी ज्यादा डीसिंग हो रही थी कि कवर में भी गोलियां वोलियां पड़ रही थी। मैंने सोचा सबसे पहले यहाँ पे हील कर लेता हूँ, लेकिन प्रिंस भाई ने बोला बंदा रिवाइव कर रहा है। तो मैं जैसे इनके ऊपर पुश करता हूँ, DP का हेड मेरे को पड़ जाता है। हेड नहीं मारा भाई, इस बंदे ने वेस्ट ही वेस्ट मारा, पूरा वेस्ट खोल दिया। उसके बाद यहाँ पे फिनिश होने के बाद हम लोग इधर रिकॉल रिकॉल होकर शेल्टर आते हैं सर्वाइवल लेने के लिए, लेकिन यहाँ पे दो बंदे पहले से मौजूद होते हैं। तो चलो भाई क्यों ना इनको बजा दिया जाए। एक बंदा ऑफलाइन था, दूसरा वाला बंदा वहीं पे रहता है, तो वो सीधा पुश करता और प्रिंस भाई के हत्ते में लग जाता और प्रिंस भाई उसको निपटा देते हैं। अब इनकी पेटी से अच्छी खासी लूट वूट हो जाती है, और मैं यहाँ पे डब्बा खोलता रहता हूँ। तभी यहाँ पे एक बोट भाई साहब आते हैं जो किल देने के लिए, तो इनको भी फटाफट से निपटा देते हैं। अब इनको निपटाता हूँ, तभी ऊपर की तरफ दो बंदे और आ जाते हैं, और ये इतनी तेजी में रहते हैं कि भाई इतनी तेजी में लोबी भी जाते हैं। लोबी तो नहीं जाते क्योंकि भाई इनके पास रिकॉल रहता है, लेकिन हमारे को किल तो मिल ही जाता है। अब यहाँ पे एक ग्रेनेड डालता हूँ, मुझे लगा दोनों फूटेंगे, लेकिन उस ग्रेनेड में सिर्फ एक ही बंदा फूटता है, और ये बंदे ने मेरे को नॉकआउट कर दिया। बाद में प्रिंस भाई इजिली 1v1 निकालते हैं और उस बंदे को निपटा देते हैं। उसके बाद उनकी लूट वूट करने के बाद सीधा गाड़ी लेके हम लोग इस साइड में आते हैं। थोड़ी देर के लिए जैसे ही रुकता हूँ यहाँ पे, तभी सामने की तरफ से एक बंदा आता है, मतलब दो बंदे आते हैं गाड़ी लेके। ये देखो सेलवन भाई की तरह एंट्री तो कर लिए, लेकिन बच नहीं पाते। उसके बाद इनको निपटाने के बाद जोन इधर से कट रहा था, तो सामने की तरफ मेरे को एक बंदा दिखता है जो प्रिंस भाई ने मेरे को बताया कि भाई उस पेड़ के पास बंदे बंदे हैं, तो अपने पास इतने सारे ग्रेनेड रहते हैं तो भाई इनका तो यूज करना बनता ही है। तो यहाँ पे एक ग्रेनेड डालता हूँ जिससे कोई मतलब होता नहीं, लेकिन दूसरा वाला ग्रेनेड कुक कर रखा था मैंने। और आजकल तुम्हारे भाई का भी ग्रेनेड कभी कभी फूट रहा है, तो देखो ये वाला ग्रेनेड भी बंदा फूट जाता है, बंदा मतलब इस ग्रेनेड से। उसके बाद यहाँ पे एक दो ग्रेनेड और ले लेता हूँ, सीधा जोन के लिए रवाना होता हूँ। उसको फिनिश करने की ट्राई करता नहीं, क्योंकि वो बंदा जोन से मर ही जाएगा। ठीक है, अब वो बंदा जोन से तो मर जाता है। हम लोग आते हैं और यहाँ पे जोन ले लेते हैं, और हमारे को पता नहीं रहती कि भाई पीछे की तरफ से भी थर्ड पार्टी होने वाला है। सामने की तरफ एक बंदा रहता है जिसको डैमेज करता हूँ, और इसका टीममेट लेफ्ट से घूम कर आ रहा था, तो इसको भी थोड़ा सा डैमेज करने के ट्राई के चक्कर में मैं यहाँ पे नॉकआउट खाने वाला हूँ। अब यहाँ पे नॉकआउट खा लिया था, प्रिंस भाई ने उस बंदे को भी नॉक कर देते हैं, लेकिन पीछे की तरफ से बंदा आ जाता है और पूरी की पूरी भाई मैच एकदम तुरंत एकदम झटके में खराब करके चला जाता है। प्लस की बात कर लेते हैं तो ठीक ठाक प्लस हो गया, और ज्यादा प्लस हो सकता था, 9 प्लस हुआ था। उसके बाद हम लोग यहाँ पे दूसरा मैच लगाते हैं, और ये मैच में जो क्लच किया ना तुम्हारे भाई ने, वो देखने वाला मैच है भाई, क्योंकि तुम्हारे भाई ने बहुत गलत मार दिया, वो भी बिना रिकॉल लिए हुए। 1 HP क्लच जिसे कहते हैं वो भी है इस मैच के अंदर। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या होता है, हम जैसे उतरे थे यहाँ पे गाड़ी लेने के लिए, लेकिन यहाँ पे दो बंदे पहले से कूद गए थे। अब मैं इस शेक के अंदर जाता हूँ ताकि मेरे को गन लग सके, और मेरे को लकीली गन लग जाती है। इसके प्रिंस भाई के हाथ में गन नहीं रहती, और इस बंदे के हाथ में AKM रहती है। अब ये बंदा AKM से प्रिंस भाई को नॉकआउट कर देता है, मैं बचाने की पूरी पूरी ट्राई करता हूँ, लेकिन जब तक बंदा प्रिंस भाई को पूरा का पूरा फिनिश कर देते हैं। अब यहाँ पे प्रिंस भाई को फिनिश कर दिए थे, और ऐसे ऐसे इस बंदे को मेरे को निपटाना था चाहे कुछ भी हो जाए। तब ये बंदा मेरे पे भी पुश कर देता और मेरा यहाँ पे माइनस लगवाने लग जाता है, लेकिन तुम्हारे भाई ने लकीली इसको नॉकआउट कर देता हूँ, और फटाफट से इसको फिनिश भी कर देता हूँ, और इसकी पेटी में से AKM उठा लेता हूँ। उसके बाद इसका दूसरा टीममेट पता नहीं कहाँ भग गया था, तो मैं उसको छोड़ के सीधा जाके इस शेक में जाके बैठ जाता हूँ। तभी यहाँ पे दो बंदे और आते हैं खुले में से, तो पहले वाले बंदे को तुम्हारे भाई ने AKM से नॉकआउट कर देता हूँ। अब पूरा का पूरा इसको फिनिश भी कर देता हूँ, टाइम ही नहीं लगाता हूँ बिल्कुल भी। अब उसका दूसरा टीममेट वहीं पे रहता है जो भाई AKM लेके, मतलब पता नहीं कौन सी गन लेके वहां पे जैसे लेटता है मुझे मारने के लिए, तुम्हारे भाई ने उसको एक हेड पे मारता और उसको भी निपटा देता है। अब यहाँ पे मैं AKM की थोड़ी सी एमो मंगाता हूँ, लूट वूट करने के लिए जाता रहता हूँ, तभी पीछे की तरफ से दो बंदों का पुश आ जाता है। अब यहाँ पे तुम्हारे भाई की HP देखो, और यहाँ पे देखो क्या ही बजाने वाला हो बंदों को।
पहला बंदा यहाँ पे नॉक हो चुका है, तुम्हारे भाई की एचपी देख सकते हो, और दूसरा वाला बंदा पता नहीं कहाँ पर है। तो मैं देखा सबसे पहले एकेएम को रिलोड कर लिया जाए, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एकेएम को रिलोड करता हूँ और ये जो पहला बंदा नॉक था इसको फिनिश कर देता हूँ। दूसरा वाला बहुत तेजी में आता है और ये भी भाई तेजी में चला जाता है। यहाँ पे कॉल वोल भी आने लग गए थे, लेकिन भाई क्या बताऊँ क्या ही क्लच कर दिया मैंने। और भाई इससे पहले अगर कॉल आ जाता ना तो भाई बहुत ज्यादा गालियां भगने का मन करता है। वैसे कॉल तो कंपनी का था, उसको क्या ही कर सकता हूँ यार, सिमी तोड़ के फेंक देता। उसके बाद आप लोग बताना कैसा लगा ये वाला खतरनाक वाला क्लच। उसके बाद मैं इस साइड में आता हूँ, प्रिंस भाई को यहाँ पे रिकॉल विकॉल कर देता हूँ। सामने की तरफ से एक बोट भाई साहब को मैंने डैमेज दिया, लेकिन बोट भाई साहब ने नॉक कर दिया था, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, अपन ने तो उसको फिनिश करके अपना किल तो ले लिया। अब इस बोट भाई साहब को फटाफट से निपटाते हैं हम लोग और गाड़ी लेते सीधा आगे की तरफ रवाना हो जाते हैं। अब हम लोग इस साइड में आते और यहाँ पे हमारे को मिलते तगड़े वाले बंदे, जो सामने की तरफ फाइट चल रही थी बहुत गलत वाली। तो मैंने देखा चलो भाई अपन भी हाथ थोड़ा साफ कर लेते हैं इन फाइट में। अब जैसे मैं मारता हूँ वो बंदा किसी और के ग्रेनेड से बूम बम हो जाता है। पीछे की तरफ से बंदे बंदे आ जाते हैं जो भाई गाड़ी से मेरे को नॉकआउट कर देते हैं। अब यहाँ पे भाई एक सीन आप लोग को दिखाऊंगा कि देखो मेरी M4 अभी रिलोड नहीं है। प्रिंस भाई उनका एक टीममेट को नॉक कर देते हैं, दूसरा वाला बंदा वहीं पे रहता है, तो मैं यहाँ पे हील विल कर लेता हूँ और दूसरे वाले के पास ग्रेनेड जाता है प्रिंस भाई का और वो बंदा हो जाता है बूम। बचे थे कुल मिला के दो बंदे जो सामने की तरफ रहते हैं, जिनकी लोकेशन हमारे को पता थी। तो मैं उड़न खटोला लेके इनके ऊपर आ जाता हूँ। अब प्रिंस भाई भी आ जाते हैं, तो हमने देखा जितनी मोली वोली है सब मैं कर देता हूँ। और M4 देख सकते हो अभी भी मेरे M4 रिलोड नहीं है, जो भाई इसी के चक्कर में ये वाला चिकन पूरा का पूरा मिस हो गया। प्रिंस भाई ऊपर किसी बंदे से 1v1 फाइट लेते हो और वो बंदा प्रिंस भाई को नॉकआउट कर देता है। अब एक बंदे को मैं भी यहाँ पे नॉक करने वाला हूँ, तो देखो कैसे उसको बजाते हैं छाती पे, वेस्ट नहीं बंदे की, इसको नॉक कर देता हूँ फटाफट से, फिनिश भी कर देता हूँ। अगर यहाँ पे M4 में रिलोड कर लेता ना तो यहाँ पे बचने के बहुत ज्यादा चांस थे और ये मैच चिकन डिनर हो सकता था, लेकिन कोई बात नहीं यार, 8 किल तो वैसे कर दिया था मैंने। अब यहाँ पे मैं जिस स्विच करता हूँ भाई साहब M4 पे देखता हूँ यहाँ पे रिलोड ही नहीं, और पता नहीं मैं उस कोने में क्यों ही चला जाता हूँ और यहाँ पे मैं यहाँ पे निपट जाता हूँ। भाई अगर उस कोने में नहीं जाता थोड़े बहुत बचने के चांस तो थे। प्लस की बात कर रहे थे तो 19 प्लस हुआ, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। ये लगाता हूँ मैं तीसरा मैच और आप मारेंगे भाई भर भर के बंदे बंदे। सामने की तरफ से एक बंदा नॉक, दूसरा वाला बंदा बग्गी लेकर आता है, उसको तुम्हारा भाई बग्गी से खींच देता हूँ। अब इसका दूसरा टीममेट मतलब के जो इसका बंदा रहता बग्गी वाला, वो यहाँ पे कूप लेकर आता है और हमारे से फाइट लेने के लिए। तो मैं इधर से कूदता हूँ, मतलब तुम्हारी भैंस की टाटा मारू, कूप लेकर आया तो क्या बच जाओगे। अब इस बंदे के टांग टांग पे मार के घुंघरू तोड़ देता हूँ और इस बंदे को फिनिश कर देता हूँ। और जो सामने तरफ से बग्गी आई थी वो इस बंदे की, तो इसको भी तुम्हारा भाई निपटा देता है और इसको भी फटाफट से फिनिश कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ, चलो भाई ओहो गाड़ी आई है, रुको थोड़ा सा स्प्रे दे दूँ। वैसे तुम्हारा भाई का स्प्रे तो उतना खतरनाक है नहीं, लेकिन देना बनता था तो मैंने यहाँ पे दे दिया। उसके बाद गाड़ी लेके इधर से जाता रहता हूँ। ये बंदा कार 98 से मेरे को एक बॉडी शॉट मार दिया था, तो बहुत ज्यादा मतलब फॉर्म में आ गया था, इसका फॉर्म निकाल देता हूँ और उसको फिनिश कर देता हूँ। उसके बाद गाड़ी लेता हूँ आगे की तरफ रवाना होता हूँ, तभी यहाँ पे US में दो बंदे जा रहे थे, तो चलो भाई थोड़ा सा स्प्रे हो जाए तो देखो फिर। एक बंदे को यहाँ पे खेल देता हूँ, दूसरा वाला बंदा बहुत दूर जा चुका था, उसको भी एक लास्ट की एक हेड पड़ जाती है और वो बंदा निपट जाता है। अब यहाँ तक एकदम मैच सही चल रहा था, 7 किल हो चुके थे, जोन में हमारे को जाना था, जोन में आके होल्ड कर लेता हूँ। तो पीछे की तरफ से बंदे बंदों की फाइट चल रही थी और ये बंदा यहाँ पे पता नहीं किससे टीपीपी ले रहा था, तो इस बंदे को मैं नॉकआउट कर देता हूँ। और मैं देखा उसको फिनिश करने जाने से बेटर है कि वहां पे ग्रेनेड डाल दिया जाए। अब ग्रेनेड डालता वो बंदा हो जाता है बूम। अब उधर बहुत सारे बंदे बंदे थे, तो हम लोग गाड़ी लेते हैं और यहाँ पे स्नाइपर टावर था एकदम मस्त वाला जोन में, तो हमने देखा क्यों ना भाई इधर जोन में चला जाए। लेकिन यहाँ पे दो दो बंदे रहते स्नाइपर टावर में, तो जिनकी किस्मत भाई उतनी भी खास नहीं रहती, क्योंकि हमारे पास होते भर भर के मोलियां जो हम यहाँ पे भरने वाले हैं। तो यहाँ पे पहली मोली जाती है तुम्हारे भाई की इस साइड में, दूसरी मोली प्रिंस भाई की और हम दोनों की इधर ही जाती है। लेकिन प्रिंस भाई की मोली में दोनों के दोनों बंदे आ जाते हैं, दोनों के दोनों बंदे निपट जाते हैं। बंदे बचे हुए रहते हैं 5 जिनकी आपस में बहुत कुत्ते बिल्ली की तरह फाइट होती है, उनमें मिला के बस एक बंदा बच जाता है। अब एक बंदा बचा हुआ था, वही बंदा लेफ्ट की तरफ से जोन में आना था उसको, तो वो जोन में आता है। मैं एकदम आराम से रुका रहता हूँ क्योंकि मेरे को ये चिकन डिनर मिस
नहीं करना था क्योंकि पुराना वाला चिकन डिनर अपना मिस हो चुका था, उसमें भी ग्रो जाता लेकिन M4 रिलोड में नहीं थी, इसमें भी ग्रो जाता लेकिन इस वाले मैच में मैंने बिल्कुल भी चांस नहीं दिया और इजीली इस मैच को मैं चिकन डिनर पे लेके चला गया। तो थोड़ा सा डांस वांस हो जाए तो प्लस की बात कर लेते हैं, तो अब प्लस देख लिया जाए कितने प्लस हो गए, तो आज हो गए 26 प्लस, मतलब इस मैच में 26 प्लस हुए हैं। तो यही था आज का गेम प्ले, अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो में कौन सा पार्ट अच्छा लगा उसे कमेंट कर देना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो भाई यही था आज के गेम प्ले जो भी था, तो सबसे पहले अपन रैंकिंग हर बार दिखा देते हैं, तो आज भी रैंकिंग तुम्हारा भाई दिखा देगा। तो 2721 में चल रहा हूँ, मतलब अंदर आ चुका हूँ 3000 के अंदर। तो ठीक है, तो मिलते कल शाम 7 बजे एक और बुमबार धमाकेदार गेम प्ले के साथ, तब तक लिए अपना ध्यान रखो, अपने फैमिली का ध्यान रखो, तुम्हारे भाई का चैनल का भी ध्यान रखो। तो मिलते कल शाम 7 बजे, लव यू, टेक केयर, स्वीट ड्रीम, गुड नाइट एंड बाय। इधर आ, चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ।